हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आए हैं स्मैश यूटोपिया सिटी में। तो यहाँ का गो कार्टिंग वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है मुंबई में। मेन रीज़न है यहाँ पे इन लोग के पास इलेक्ट्रिक गो कार्ट्स है, और इलेक्ट्रिक कार्स का और गो कार्ट्स का आप लोगों को प्लस पॉइंट मालूम है, उसका टॉर्क बहुत भारी रहता है। तो हम लोग आज गो कार्टिंग करने वाले हैं, और बाकी भी क्या क्या चीज़ स्मैश में अवेलेबल है वो हम लोग पूरा चेक करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। तो स्मैश जो है वो कमला मिल्स में है, और यहाँ पे आने के लिए सबसे नज़दीकी स्टेशन आपको परेल और प्रभा देवी मिल जाएगा, और सबसे नियरेस्ट बस स्टॉप जो है वो सेंचुरी मिल है। तो आप खुद के व्हीकल से भी यहाँ पे आ सकते हो। अंदर आपको पे एंड पार्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्मैश के जस्ट बाजू में ही पूरा पार्किंग लॉट है, वहाँ पे आप आपकी कार या तो बाइक पार्क करके आगे यहाँ पे जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसे आप आओगे आपको दिख जाएगा लेफ्ट साइड में गो कार्ट का पूरा सेक्शन है। तो स्मैश एक गेम जोन है, और यहाँ पे हम लोगों को गेम जोन का कार्ड लेना पड़ता है। तो मिनिमम जो है हम लोग को 2500 का रिचार्ज कराना पड़ता है, और उसके बाद हम लोग को जो गेम्स और एक्टिविटीज़ करना है वहाँ पे हम लोग वो स्वाइप करके खेल सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आप देख सकते हो डिटेल्स प्राइस स्ट्रक्चर का। तो हम लोग गो कार्टिंग करने वाले हैं, और गो कार्टिंग में दो चीज़ है, एक है 6 मिनट वाला और एक है 8 मिनट वाला। तो स्मैश का जो गो कार्टिंग है वो टाइम बेस्ड होता है, 6 मिनट्स का एक स्लॉट होता है, 8 मिनट्स का स्लॉट होता है, और यहाँ पे आने के बाद आपको नंबर लगाना पड़ता है। तो अगर आप वीक एंड में आए हो और पीक आवर्स में आए हो, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा पहले जाके आप गो कार्टिंग में आपका नंबर दे देना। आपका नंबर आएगा, वैसे आपको कॉल किया जाता है, और फिर वैसे आपका लैप स्टार्ट हो जाता है। तो आप आओगे पहले नंबर लगाओ, बाद में जो कार्ड रिचार्ज है वो सब बाद में कर लेना। तो ये है आपका गो कार्टिंग का रजिस्ट्रेशन एरिया। तो यहाँ पे आपको रिचार्ज किया गया हुआ जो कार्ड है वो लेके आना है, वो यहाँ पे स्वाइप होगा, और उसके बाद आपका जो आगे का टाइमिंग है वो सब आप लोगों को बराबर से बता देंगे वो। तो अगर आपको वेटिंग ज़्यादा है तो आप बोलिंग वगैरह और बाकी के गेम्स भी खेल सकते हो स्मैश के वो साइड के सेंटर में। तो अभी हम लोग देखते हैं ये गो कार्ट के बारे में डिटेल। तो ये फुल्ली इलेक्ट्रिक गो कार्ट है। राइट वाला जो ग्रीन पेडल है वो एक्सेलरेटर है, लेफ्ट वाला जो है वो ब्रेक है, और ये एक ही गो कार्ट ऐसा है यहाँ पे जिस पे रिवर्स भी आपको मिल जाता है। तो वहाँ पे एक बटन है जिसको प्रेस करोगे तो आपका गो कार्ट रिवर्स भी जाता है। तो ये बहुत कम देखने मिला है हम लोगों को मुंबई में। तो ये जो ट्रैक भी उन लोगों ने बनाया है बहुत ही मस्त बनाया है, एकदम थ्रिल एक्सपीरियंस हम लोगों को मिलता है, और लॉन्ग ट्रैक है एकदम। तो आप देख सकते हो वो। तो जैसे आपने सेशन बुक किया है 6 मिनट का या 8 मिनट का, वैसे वो स्लॉट में आप लोगों को भेजा जाता है। तो अगर आपके सब फ्रेंड्स हैं तो आप लोगों को एक साथ में भी छोड़ देंगे वो, तो आप लोग अंदर जाके आप लोग एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हो। पर एक चीज़ ध्यान रखना गाइस कि आप लोग बैंग मत करना, ठोकना मत एक दूसरे को, नहीं तो डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है यहाँ पे। इफ यू स्टक एनीवेयर दिस इज अ रिवर्स बटन, ये सिल्वर वाला, यस, इसको दबा के रखना है एंड प्रेस द एक्सी, ऐसा रिवर्स जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी फर्स्ट लैप जो होने वाला है उसमें पहले ट्रैक में किधर क्या टर्न है वो देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्चुअल राइडिंग करेंगे।
तो जैसे ही आपका टाइम स्लॉट खत्म होता है वैसे आप लोगों को अंदर रिकॉल कर लेते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है गाइज यहाँ पे। एक्चुअली इलेक्ट्रिक गो कार्ट में जब हम लोग टर्न लेते हैं ना, तो वो जो टॉर्क फील होता है ना, वो बहुत ही अलग फीलिंग है। तो आप लोग जब यहाँ पे आके गो कार्टिंग करोगे तो आप वो फील एक्चुअल में समझ पाओगे। तो राइट साइड में यहाँ पे मेन सेक्शन है स्मैश का, तो बाहर आउटडोर का जो ये एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे किड्स के रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, और अंदर हम लोग जब जाएंगे तो हम लोगों को आर्केड गेम्स और बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती है। तो जैसे आप एंटर करोगे आप देखोगे यहाँ पे लाइन से आर्केड गेम्स है। पहले तो ये काउंटर है, काउंटर के बाजू से आप लोगों को लाइन स्टार्ट हो जाता है। मल्टीपल गेम्स है, VR AR गेम्स है, फिर आप लोग जो ये डांस वाला गेम है वो भी है, डांस ऑफ। तो लाइन से आप लोगों को गेम्स दिख जाएंगे, कुछ ना कुछ एक चीज़ आपको पसंद आ ही जाएगा यहाँ पे, अगर आप आर्केड गेम लवर हो तो। और लाइन से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितने सारे गेम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे अलग से एक सेक्शन है जहाँ पे आप बॉक्स क्रिकेट का भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही फेमस है ये एक्टिविटी, यहाँ पे ऑलवेज बिजी रहता है। पूल टेबल भी आप लोगों को मिल जाएगा, और जब आप काउंटर जो है वहाँ से लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ जाओगे तो फर्स्ट फ्लोर पे आप लोगों को बोलिंग मिल जाएगा। बोलिंग और गो कार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है स्मैश ये वाला, तो यहाँ पर बोलिंग बहुत अच्छे से होता है, और बोलते हैं कि यहाँ का बोलिंग वन ऑफ द बेस्ट बोलिंग है पूरे मुंबई में। तो आप जैसे ही एंटर करोगे आप देख लोगे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से वाइब सेट किया गया है, पूरा नियॉन कलर डाल के। तो ये एक अलग सेक्शन है मेन वाला, उसके बाजू में भी एक सेक्शन है, दो सेक्शंस आपको मिल जाएंगे बोलिंग के। तो अभी ये इतना बड़ा कर दिया इन लोगों ने कि अच्छे से आप लोगों को सब करने मिलता है। यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, यहाँ पे आप फूड मंगा के भी खा सकते हो उनके इन हाउस रेस्टोरेंट से, और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जब हम लोग आते हैं। तो ये स्मैश का इन हाउस रेस्टोरेंट है, तो अगर आप लोगों का लंच डिनर का प्लान है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। नीचे के साइड में बाहर आप लोग आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को किड्स के रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। ये डैशिंग कार है, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक स्लाइड है ऊपर से जो आता है वो, ऐसे मल्टीपल एक्टिविटीज़ प्रेजेंट है किड्स के लिए। तो आप अपने बच्चों के साथ आओगे तो उनको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है करने के लिए। ये है डोनट स्लाइड, आप देख सकते हो। आगे भी ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सेक्शंस है, बर्थडे पार्टी के लिए अलग से सेक्शन है, तो वो भी आप देख सकते हो, इनसे बात करके इंक्वायरी कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। बाय बाय।